सो गाइज वेलकम बैक। और हमारे लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं, लगभग क्या सारे ही टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, डेटा से लेके है ना, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा से लेके मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा तक है ना। क्वेश्चन आयर हमने तैयार करके देख लिया, स्केड्यूल्स हमने बना के देख लिया है ना, और प्राइमरी डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, इनके मैथड्स के बारे में हमने डीप में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह चुका है ना, वो है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ये सबसे फेमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशंस में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस टॉपिक में रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, कि ये सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, क्या कहता है ये, है ना। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो हर 10 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये डेसेनियर यानी दशक। ठीक है, लास्ट टाइम ये 2011 का सेंसस था, है ना, उससे पहले 2001 का था। अब 2021 का जो सेंसस है वो उसका सर्वेक्षण चल रहा है। ठीक है, ये पब्लिश किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। अब ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये काम क्या करता है, इसके काम क्या है, इसका कौन सा स्टैट्स पब्लिश करना है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन का डेटा करार करता है, एक पूरे देश की पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को ये पॉइंट करता है और हर एक इंडिविजुअल के घर जाके सर्वे किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि हमारे देश में क्या क्या डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि सेंसस एक्ट जो है वो कब पास किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो ये 3 सितंबर 1948 में ये पास किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो कहाँ कहाँ पर इसकी पहुँचे, है ना, तो ये क्या क्या स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, कि भारत देश की जो भी पॉपुलेशन है उनकी स्टडी करता है, कितने लोग हैं प्रत्येक स्टेट के हिसाब से, उनकी साइज़ क्या है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, कि पिछले जो 2011 का सेंसस हुआ था अभी 2021 में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, हमें पॉपुलेशन देखने को क्या क्या मिला, है ना। 2011 में 125 करोड़ की पॉपुलेशन थी और अब जब दोबारा सर्वेक्षण चल रहा है तो अभी 2021 के सेंसस में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, तो बात वही है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का मतलब भी लगभग सेम ही है ना। तीसरा पॉइंट आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, है ना, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना, जो आपका मोहल्ला है तो आपका मोहल्ला कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना है ना, कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये एवरेज निकाला जाता है कि पूरे ऑल इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितने परिवार रह रहे हैं, है ना, तो वो होता है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये काम भी इसका भी इस डेटा सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अगला पॉइंट आता है सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना, कि पॉपुलेशन के अंदर मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, है ना, इस टाइम पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, ये भी सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा कलेक्ट किया जाता है डेटा। और लिटरेसी का क्या स्टेट है, है ना, लिटरेसी यानी कि हमारी जो शिक्षा वगैरह की, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, ये भी सेंसस ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो सेंसस ऑफ इंडिया का काम है, इनको चेक करना, एनालाइज करना। अब बात करते हैं इनका फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क यानी लिमिटेशन, लिमिट कहाँ तक है इनकी, है ना, ये मतलब कहाँ कहाँ से कितना कितना किस बेस पे ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो इसका फ्रेमवर्क देखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो पूरे कंट्री के ही अंदर कलेक्ट की जाती है एक टाइम पे, है ना, साथ ही साथ ये अलग अलग स्टेट्स की भी पॉपुलेशन देखता है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज इसमें इंक्लूड है, है ना, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनकी भी पॉपुलेशन चेक की जाती है, स्टेट्स की, अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन चेक की जाती है। ठीक है, तो उन सबको ऐड किया जाता है, तो हमारा एक पूरा होल कंट्री का पॉपुलेशन का डेटा हमें देखने को मिलता है। अब जैसे इसका नाम कह रहा है सेंसस ऑफ इंडिया, है ना, तो इसमें सेंसस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब ये सेंसस और सैम्पलिंग मेथड आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और बहुत छोटा चैप्टर है, एक दो वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता है कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होती है, घर घर जाके इंक्वायरी की जाती है, बहुत डीप में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। यहाँ पे लिखा है ना, कवरिंग ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। तो सेंसस का इतना बड़ा काम है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा साल भर निकल जाता है इसको हमें डेटा को कलेक्ट करने में, है ना। अलग अलग स्टेट्स के लोग लगे रहते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंट्स लगे रहते हैं डेटा कलेक्ट करने में, जनगणना वाले आते हैं, पूछताछ चलती है, फिर उन सब का रिकॉर्ड तैयार होता है, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, NSSO क्या है ना। तो NSSO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके अंडर चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंडर ये काम करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सैंपल सर्वेस करवाता है, ठीक है। इनका जो काम रहता है वो रेगुलर काम है इनका, है ना, हर महीने हर छः छः महीने में ये अपना सर्वे लेके आ जाते हैं और क्या करते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए, ठीक है, तो उन्होंने अपने कितने लाइव स्टॉक रखे हुए अपने पास, है ना, या फिर अर्बन पार्ट्स के अंदर भी ये सैंपल देखता है ना, कि कितने लोग अपने खुद के घर पर रह रहे हैं, कितने लोग किराए पर रह रहे हैं, इस टाइप से ये डेटा कलेक्ट करता है, कितने लोगों की कितनी ज़मीन है और कितने लोगों ने पशुपालन किया हुआ है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की हुई है, तो इन सब का जो डेटा है वो कलेक्ट करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे काम करता है। उदाहरण के तौर पे जो 74th राउंड था NSSO का सर्वे का, तो इन्होंने क्या किया था, अपना सबसे मेन फोकस सर्विस सेक्टर को रखा था, ठीक है, ये 2016 से लेके 2017 तक चला था, 1 जुलाई 2016 से लेके 31 जून 2017 तक चला था। इसका मेन काम यही था कि सर्विस सेक्टर के अंदर चेक करना कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है, किस रेट से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे जो नेशनल GDP है, क्योंकि GDP में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सर्विस सेक्टर का ही होता है ना, सबसे ज़्यादा GDP सर्विस सेक्टर से हमें देखने को मिलती है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं हिंदी वाले जो हैं GDP, तो ये सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं NSSO का, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना। सबसे पहले लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, सबसे पहले लोगों की ज़मीन कितनी है और वहाँ पे लोगों ने कितने लोगों ने लाइव स्टॉक पाले हुए हैं, ठीक है, यानी कि पशु वगैरह पाले हुए हैं, कितने जानवर वगैरह पाले हुए हैं, कितने लोगों ने अपने घर पे पशुओं को रखा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री वाले कितने लोग हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम डेवलप्स, कि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनकी जो हाउसिंग कंडीशन कैसी है, उनका जो माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस रेट से माइग्रेशन चल रही है इनकी, इन सब के बारे में NSSO चेक करता है, इनके स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट को भी देता है। हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, बेरोजगारी और कितने लोग रोजगार में है, उनका स्टेटस ये दिखाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाउस होल्ड है लोगों के, है ना, उनका जो इनकम का सोर्स है वो कहाँ से है। नहीं समझ में आया तो आसान भाषा में समझाता हूँ, इनके कहने का मतलब है कितने जो लोग हैं वो लेबर से रिलेटेड काम करते हैं, कितने लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी इनकम कहाँ से आती है, कितने लोग खेती बाड़ी करके अपना पैसा कमाते हैं, है ना। तो इन सब का जो डेटा है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये सैंपल है, सैंपलिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो सैंपलिंग मेथड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है, इसके हमारे पास 6 मेथड है, ठीक है, तो 6 के 6 मेथड डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि NSSO और सेंसस ऑफ इंडिया का क्या क्या काम है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियस चैप्टर में जो पिछले चैप्टर पढ़े थे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें से मैं MCQ लेके आऊँगा, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर में, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस थ्योरेटिकल यहीं तक चैप्टर है, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, है ना, और उसके बाद ये बोरिंग सी चीज़ें समाप्त होने लग जाएगी, है ना, सिर्फ 2-3 वीडियो और उसके बाद हम सीधा चलेंगे बोर्ड पे और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।